अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थोड़ा लेट है, मैं अपनी स्पीच को और छोटा करने से पहले तनवीर मैडम ने मुझसे कुछ कहने के लिए कहा है, वो आपके सामने आपकी इजाज़त से मैडम जी। ऑनरेबल डिग्निटरीज ऑन द डायस, रिस्पेक्टेड टीचर्स, पेरेंट्स एंड लवेबल स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। Firstly, I am heartily thankful to the director of the school and principal Farah Madam, the great lady who has given me this opportunity to be a part of this program of prize distribution and allowed me to sit on this stage with City Vistas. In today's exhibition, the performance of all the students was tremendous to make such innovative things during their academic year. Overall, exhibition was outstanding and unique. It showed the efforts of principal, teachers and students. As I believe every child is unique and should be promoted towards excellence, a good school enhances the aptitude of the kids and sees it that they receive all-round development. This prize distribution day is a proud day for both teachers and parents to see their children doing so well. I'm very much happy for all parents sitting over here for choosing a bright, innovative, and one of the excellent schools of the region. The methodology of this school will prove in near future. Roots and Wings School shall be the top school for our community, inshallah. Jazakallah khair. आप देख रहे हैं बच्चे स्टेज के करीब आ चुके हैं और इनको प्राइजेस अवार्ड्स किस कैटेगरी में दिए जा रहे हैं, हम बेसिकली इसको लॉरिएट्स का नाम दिए हैं, दैट दे आर अचीवर्स। और अचीवर्स का मुराद कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम में ही अच्छा करें, सिर्फ स्पोर्ट्स में ही अच्छा करें। तो हमने एक 10-पॉइंट प्रोग्राम बनाया है, बनाना शायद थोड़ा अजीब होगा, वी हैव अडॉप्टेड इट फ्रॉम इंटरनेशनल बैकलॉरिएट स्कूल्स, आईबी स्कूल्स की मेथोडोलॉजी से लिया है, जिनकी 10-पॉइंट प्रोग्राम मेथोडोलॉजी है, जिसमें सबसे पहले आते हैं इंक्वायरर्स। अब मैं एक 2 मिनट में आपसे बताना चाहूँगा कि ये आपके वैसे कैलेंडर डायरी में दिया गया है, आपके पास जो ब्रोशर है उसमें दिया गया है, 2 मिनट में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि इंक्वायरर्स कौन होते हैं। दे डेवलप देयर नेचुरल क्यूरियोसिटी, दे एक्वायर द स्किल्स नेसेसरी टू कंडक्ट इंक्वायरी एंड रिसर्च। फारूक साहब ने अभी बहुत अच्छे से उस चीज़ को प्रायोरिटाइज किया कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। सर, हम एक कोशिश में हैं कि बच्चों को इंक्वायरर बनाया जाए, सवाल करने वाले और रिसर्च करने वाले। नॉलेजेबल एक दूसरी कैटेगरी है, जिसमें दे एक्सप्लोर देयर कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज एंड इश्यूज दैट हैव लोकल एंड ग्लोबल सिग्निफिकेंस, जिसके लिए अपने कुछ विजिट्स और पिकनिक्स एक टेस्टिमोनी है कि हम बच्चों को जहाँ लेकर गए वहाँ सिर्फ सैर व तफरी के लिए नहीं, कुछ सीखने सिखाने के लिए लेकर गए। देन वी हैव थिंकर्स, सोचने वाले बच्चे। आई फील प्राउड टू से कि अब कभी हम कोई चीज़ डिस्कस करते हैं, फराह मैडम बता रहे थे गुड टू नो नॉलेज सेशंस, सुबह के 10-20 मिनट हम सिर्फ बच्चों से डिस्कस करते हैं। डिस्कशन कैन बी एनी थिंग कि कल क्या किए थे, चाचा नाना दादा दादी कहाँ आए थे या आप गए थे, एंड ऑन टॉप ऑफ इट चाहे फिजिक्स हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, जॉब्स की लिस्ट हो, या फिर खाने के पकवान, जैसे मिसाल के तौर पर पिज्ज़ा है, पास्ता है, आज आप बच्चों से पूछे दे कैन टेल यू पास्ता इज़ एन इटालियन डिश, जो गोभी की सब्जी होती है वो कहाँ कौन से रीजन से मिली है, वो बेसिक उतना खाने के मामले में आपसे डिस्कस करेंगे टिफिन में जो लाते हैं। एक दिन का एग्जाम्पल शेयर करना चाह रहा हूँ, थिंकर्स के पॉइंट पर ही हूँ, हम गुड टू नो नॉलेज सेशन में डिस्कस कर रहे थे, बच्चों से मैंने पूछा कि क्या आज डिस्कस करें, वो जो अभी प्राइजेस लेकर गए बच्चे, उसमें से एक बच्चे ने बोला था टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा यार आई एम नॉट अ साइंस टीचर, यू शुड हैव टोल्ड योर साइंस टीचर फॉर दैट, बोले नहीं। तो मैंने डिस्कशन को मूल्ड किया लोड शेडिंग के टॉपिक पर, कि जिस तरह समाज में आज औरंगाबाद के रीजन में भी कहीं तालुका प्लेसेस हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, लोड शेडिंग है। तो
तो बच्चों से जब वो बात मैं कर रहा था, तो वो मैं चाह रहा था उनको प्रॉब्लम बताऊं, वो मुझे सोल्यूशन दे रहे थे. सर अपन वो इन्वर्टर बना लेंगे, वील टेक मोटर्स देयर. मैंने कहा भैया इन्वर्टर के लिए इलेक्ट्रिसिटी का, सोलार पैनल लगा लेंगे अपन, ऊपर चले जाएंगे. मैंने कहा रात में क्या करेंगे हम, रात में ऊपर सोने के लिए चले जाएंगे टेरिस पर. तो वो छोटी सी चीज़ें थी, बट आई फेल्ट रियली हैप्पी कि वो जो थॉट प्रोसेस चाहिए था, दे आर शेपिंग अप विद दैट. कम्युनिकेटर्स, आई टेक प्राइड इन दिस दैट द स्टूडेंट्स हैव डेवलप्ड कम्युनिकेशन स्किल्स. जो बात करना है, ठीक है, रीडिंग में कुछ बच्चे अभी कमज़ोर हैं, दे आर शेपिंग अप. 4-6 साल दूसरे कहीं और जगह पढ़कर यहाँ आए हैं, मोर ओवर स्टूडेंट्स हैव शेप्ड अप वेल. कुछ अभी बाकी हैं, दे वर्क इफेक्टिवली एंड विलिंगली इन कोलैबोरेशन विद अदर्स. प्रिंसिपल्ड है बहुत सारे बच्चे, उसूली हैं अपनी जगह पर, दे आर ओपन माइंडेड, दे रेस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट के भैया आपकी बात सही है लेकिन मैं भी गलत नहीं हूँ. अगर मैं आपको अभी यहाँ से एक नंबर बताऊं और आपको बोलूं कि भैया ये क्या है, तो आप में से कोई बताएंगे? जी मैंने तो 9 लिखा है. सो दिस इज द कंसर्न के बच्चे, ठीक है आप अपनी जगह सही हो सकते हैं लेकिन मैं मेरी जगह गलत नहीं हूँ, यहाँ आकर देखो तो सही. ये प्रोफाइल्स जो हैं, अभी 2-3 प्रोफाइल और बाकी है, मैं बता दूं, एक केयरिंग प्रोफाइल है, कंसर्न रखने वाला. इट हैपन समटाइम्स दैट सम स्टूडेंट्स डोंट ब्रिंग टिफिन्स, तो नेचुरली वो बच्चे आपस में ही शेयर कर लेते हैं. बाहर अभी किसी ने रैपर्स फेंके, कचरा कर रहे थे कुछ बच्चे, तो दूसरे बच्चे उनको बोल रहे थे और मुझे आकर बोल रहे थे कम ऑन डोंट थ्रो गार्बेज हियर. वो केयर है, कंसर्न है टुवर्ड्स द सोसाइटी. रिस्क टेकर्स है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले कर लेंगे बोलते बाद में देखेंगे. वो प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है, समटाइम्स दे हैव टू डू इट. प्रोजेक्ट्स में उनको बहुत टाइम सोचने में निकाल देंगे तो प्रोजेक्ट नहीं होगा, तो उनको करके देखना पड़ता है इफ इट इज इफेक्टिव, क्या चेंज करना है. देन दे हैव बैलेंस्ड. बाहर आपने देखा एक प्रोजेक्ट के अंदर बैलेंसिंग स्कल्पचर्स थे, वो स्कूल प्रोफाइल का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, सिर्फ एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है. बच्चे खुश भी रहें लेकिन गम भी याद रखें, बच्चे अच्छा कमाए भी अच्छा खर्च भी करें, तो वो बैलेंसिंग पर्सनालिटी चाहिए. रिसेंटली आपने कहीं शायद पढ़ा होगा 40 इयर्स के आईएएस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया, कोई एक फला कंपनी के बड़े सीईओ ने सुसाइड कर लिया. इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई है, प्रूव करके दे गॉट दोज जॉब्स. इमोशनल क्वोशेंट इतना कमजोर था कि वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए, तो ये एक बैलेंस चाहिए. देन एक आखिरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव पर्सनैलिटी, कि बच्चे किस तरह से रिफ्लेक्ट करे अपने अच्छे काम को बुरे काम को, जो मुहासिबा शरीयत हमें सिखाती है. ऐसे बहुत, ये सारे पॉइंट्स तकरीबन कहीं ना कहीं शरीयत से जाकर कनेक्ट करेंगे. इफ यू थिंक ओवर इट यू विल रियलाइज दैट वी आर इन लाइन विथ द रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो. They give thoughtful consideration to their own learning and experience. अभी ये बच्चों को prizes दिए जा रहे हैं based on the profile that they have developed. कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चार चार profiles develop कर ली उनकी age के हिसाब से. Let me tell you, उनकी age के हिसाब से अगर हम बोल रहे हैं कि छोटा बच्चा कोई thinker है, तो उससे प्लीज कोई नासा वाला प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए. लेकिन एट द सेम टाइम ये बच्चे अपनी लेवल पर कुछ ना कुछ सोचकर हमको सोल्यूशन देते हैं, चाहे क्लासरूम के डस्टबिन का मामला हो. KG 2 के बच्चे बाहर हैं, वो दे हैव डिसाइडेड देयर ओन सिटिंग अरेंजमेंट, वो अपना सिटिंग अरेंजमेंट तय करते हैं कि आज हमको यू शेप में बैठना है, आज हमको थिएट्रिकल स्टाइल में बैठना है. सो वो जो थॉट प्रोसेस है वो कुछ बच्चों में है. तो आप जब बच्चों की ट्रॉफी देखेंगे उसके ऊपर कुछ प्रोफाइल लिखी हुई है, रैंडम डाला हुआ एनालिसिस नहीं है. एक एक बच्चे को साल भर देखने के बाद वो नतीजे पर पहुंचे हैं. कुछ बच्चे एक प्रोफाइल बना पाए हैं, कुछ बच्चे चारों प्रोफाइल कर लिए हैं. 2-3 बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने 4-6 प्रोफाइल से ज्यादा किया, लेकिन हमने सोचा कि इस बार सिर्फ टॉप 4 प्रोफाइल एस्पेक्ट्स उसमें डाले जाए, क्योंकि
क्योंकि आइंदा साल भी काम करना है, उसके बाद में भी काम करना है। एजेंडा ये है कि बच्चे 6-8 साल हमारे साथ काम करें, तो इंशाल्लाह ये 10 की 10 चीज़ें बच्चों के अंदर ठोस ठोस कर भरनी है। ये 10 की 10 चीज़ें इंशाल्लाह तोल तोल कर डालनी है। और मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह से हमने ये साल काम किया और उसमें इम्प्रूवमेंट लाते गए, कंसिस्टेंसी से काम करते गए, तो इंशाल्लाह जल्द ही ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे। मैसेजेस का चलन था, आपको गेस्ट्स और पेरेंट्स ने कुछ मैसेजेस दिए, अभी कुछ दे एक्सप्रेस देयर व्यूज़। मैंने कोशिश की टू इनकॉर्पोरेट ऑल द पेरेंट्स जो हमारे को सपोर्ट में आ गया है। कुछ वेल विशर्स हैं जो बैकडोर सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो फिजिकली प्रेजेंस थे, वी ट्राइड थैंकिंग देम हियर। अगर कुछ छूट गए हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। एंड एट द सेम टाइम एक दोपहर में शाम में आपको मैसेज आएगा अपने US के जो वेल विशर्स हैं, आर्काना लेबोरेटरीज के, वो कुछ रीजन से प्रोग्राम में आ नहीं पाए, देवर शेड्यूल टू बी इन दिस प्रोग्राम, तो उन्होंने भी एक मैसेज भेजा है, 5 मिनट का है। आई रिक्वेस्ट यू टू स्पेयर सम टाइम एंड आई टेक माई प्लेस विद दिस एंड आई रिक्वेस्ट जोहा मिस टू कंटिन्यू विद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।